और देखिए दोस्तों, हमारा दूध निकाला हुआ हो गया है, अब दूध लेकर के चलेंगे बाजार हम लोग। हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, स्वागत है आप सब लोगों का गोपी अर्चना ब्लॉग में। दोस्तों सभी लोग हाय करिए, हाय दोस्तों। और दोस्तों देखिए इधर हम लोग सो रहे हैं तो बहुत ठंडी लग रहा है, तो देखिए नीचे पुअरा डाले हुए हैं धान का, तो कम लगेगा ठंडा और खूब मस्त हो गया है गड्ढा के जैसे। देखिए तो ठंडा की वजह से डाल रहे हैं पुअरा नीचे में। और दोस्तों अभी नंदू बोल रहा है दूध निकालने के लिए, तो दोस्तों अभी हम लोग चलते हैं दूध निकालने। और देखिए इधर, और इधर आ जाइए जी। और दोस्तों देखिए इधर, कल हम लोग बनाए थे इधर चूल्हा बनाने के लिए, खाना वाना यहाँ बनेगा। देखिए ये बनाया है चूल्हा पीढ़ा, तो यहाँ पीढ़ा बना दिए हैं नीचे में। अब ये एक दो दिन में सूख जाएगा, एक दो दिन में तो नहीं सूखेगा, बहुत गीला है तो सूखेगा। इसके ऊपर चूल्हा बनेगा हमारा, और यहीं पे अब हम लोगों का खाना पीना सब बनेगा, और यहाँ पे ही। और देखिए इधर सब कपड़ा वपड़ा धो करके अर्चना की मम्मी, चलो अर्चना चलते हैं। और दोस्तों अब हम लोग चलते हैं गाय का दूध निकालेंगे। बाल्टी लाओ जी, सवेरे हम लोगों का खाना बन चुका है दोस्तों वहाँ पे, तो यहाँ जब चूल्हा बनेगा तो यहाँ भी बनाना चालू कर देंगे। आ जाइए जी। और हमारा नाव डूब गया था तो उसको निकाले हैं। हाँ आ जाओ, अब बोल रहा है आवाज़ सुन करके दूध निकालने के लिए। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। और दोस्तों देखिए हम लोग आ गए हैं, और अतवरिया को खिला कर के इधर बांधे हुए थे, और अभी नंदू को छोड़ेंगे दूध पीने के लिए, तो पहना जाएगी गाय, उसके बाद से दूध निकालेंगे दोस्तों। और दोस्तों देखिए नंदू को छोड़ दिए हैं, आकर के अपना दूध पी रहा है, अभी गाय पहनाएगी उसके बाद रस्सी लगाएंगे। और अब रस्सी लगाएंगे दोस्तों। अर्चना इधर मोबाइल दिखाओ। और दोस्तों देखिए रस्सी लगा दिए हैं, और हमारी गाय पहना गई है, दूध पूरा उतर गया है थान में। ये थान को धोते हैं पहले साफ बढ़िया से, और उसके बाद से दूध निकालेंगे। देखिए बचा हुआ पानी फेंक दिए हैं, और थोड़ा सा पीछे हो जाइए। दोस्तों देखिए हमारी गाय का बाट जो है कट गया है, इसमें से खून निकल रहा है। और दोस्तों देखिए इधर इतना दूध निकाल दिए हैं, इधर दिखाओ अर्चना। देखिए दोस्तों इतना दूध निकाले हैं, अभी थोड़ा सा और बचा हुआ है दूध निकालने के लिए। हाँ दुहाता बाबू, दुहाता। देखिए दोस्तों बच्चा लोग पूछ रहे हैं कि दुहा गया, रास्ते पे ही दूध निकालना पड़ता है, लोग आते जाते रहते हैं। इधर दिखाओ, इधर ला। और देखिए दोस्तों हमारा दूध निकाला हुआ हो गया है, अब दूध लेकर के चलेंगे बाजार हम लोग। और देखिए इतना दूध निकाले हुए हैं, अब चलेंगे बाजार दोस्तों, और उसके बाद आएंगे तो उधर तालाब घर में कुछ काम जो बाकी है उसको करेंगे। आ जाओ अपना इधर। अब नंदू को खोल देते हैं, दूध पिएगा अपना। और दोस्तों देखिए दूध निकाल लिए हैं, अभी चलेंगे तालाब घर में और दूध नापेंगे उधर, और तब दोस्तों चलेंगे हम लोग बाजार। छोटी सो गई जी, छोटी सो गई।
और दोस्तों देखिए दूध लेकर के आ गए हैं तालाब घर में, तो अभी इसको नापेंगे और लेके चलेंगे बाजार। नाप दीजिए, और दोस्तों देखिए हमारा दूध नापा हुआ हो रहा है, तो नापा जाएगा उसके बाद से चलेंगे हम लोग बाजार। और दोस्तों ये अभी ये दूध नापा जा रहा है, तब तक हम खाना वाना खा लेते हैं और उसके बाद लेके चलेंगे बाजार। बाजार जाने दूध दे करके आएंगे बाजार से, तो इसमें जो काम थोड़ा मोड़ा बाकी है उसको करेंगे। और सोच रहे हैं आगे का फ्रंट को थोड़ा सा रंग दें, क्योंकि दीपावली आ गया है तो रंग देंगे तो और ठीक है, और नहीं तो ऐसे ही रहने देंगे। आप लोग कमेंट करिएगा कि इसको आगे का फ्रंट रंग दें चुना उना से कि रहने दें। और दोस्तों देखिए हमारा दूध नाप आ गया है और झोला में अब रखेंगे और लेके चलेंगे बाजार। और खाना भी हम खा लिए हैं, आज सवेरे में ही खाना बन गया था दोस्तों। आज कई दिनों से खाना लेट हो जा रहा है, लेकिन आज बन गया था तो अभी खा करके फिट हो गए हैं और चलते हैं हम बाजार। अब बाजार से आने के बाद कुछ काम करेंगे इधर तालाब घर में। हाँ, उसमें रख दीजिए, चार डिब्बा में है दूध हमारा दोस्तों। अब बाबू पढ़ने चला गया है दोस्तों, चला जाता है पढ़ने। ले चलिए। और दोस्तों हम चलेंगे अब बाजार। और देखिए इधर हमारा चूल्हा वाला पीढ़ा कितना अच्छा दिख रहा है, लेके आ जाइए वहाँ। चलिए मोबाइल ले लीजिएगा, आ जाओ अर्चना इधर। और देखिए दोस्तों दूध दे करके हम अभी आ रहे हैं, एकदम शाम हो गया है। और अभी क्यों आ रहे हैं दोस्तों, इतना देर तक मार्केट में रह गए, क्योंकि उधर काम मिल गया था। जैसे ट्रांसपोर्ट में आया था ट्रक में माल, तो उसको उतार रहे थे हम लोग। दूध देने गए तो ट्रांसपोर्ट वाले बुला लिए, तो फिर वहाँ गए और जा कर के बोरा वोरा उतारना होता है उसमें जो आया होता है, तो उसको उतारे हैं। उतारने के बाद से पैसा वैसा मिला है, फिर आए हैं। देखिए दोस्तों एकदम शाम हो गया है आज, और एकदम जीव थक गया है, इतना काम किए। मतलब दो गाड़ी लगा हुआ था, हम लोग चार आदमी थे तो दो ट्रक खाली किए हैं, तो उसके बाद से एकदम जीव थक गया है। और ये लोग देखिए क्या कर रहे हैं, अतवरिया को उधर खिला लिए हैं। और खिलाने के बाद से देख लीजिए राम मड़ैया में आराम कर रहे हैं सभी लोग। देखिए कितना आज़ादी है, लोग पानी में जाने से लोग डरते हैं और ये लोग पानी में सो रहे हैं, आराम कर रहे हैं। देखिए हाँ, बहुत झगड़ा कर रही है दोस्तों, ये कहाँ झगड़ा कर रही हो? हाँ हाँ, कहाँ झगड़ा कर रही हो? अब बाबू भी पढ़ करके आ गया है, आ गया है। तो दोस्तों अभी शाम हो गया है बिल्कुल, अब अंधेरा होने वाला ही है, तो अभी मतलब थके हुए आए हैं, अब भूख जोरों का लगा हुआ है, तो अब ये लोग खाना वाना बनाएंगे और गाय का दूध भी हम निकालेंगे अतवरिया का आज शाम वाला। और दोस्तों अब हम लोग इस समय से तालाब घर में कोई काम भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मन नहीं कर रहा, एकदम थकान हो गया है। तो समझ सकते हैं कि मेहनत वाला काम करने पर कितना हरासमेंट होता है, क्या है। और दीपावली नज़दीक आ गया है दोस्तों, तो पैसे की ज़रूरत है ये है, तो इसीलिए सोचे कि चलो काम मिल गया तो कर लेते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो हम लोग यहीं तक रखते हैं, वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। सभी लोग बाय करो, बाय दोस्तों, जय हिंद दोस्तों, जय जवान जय किसान दोस्तों।